हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़िशान रसूल खान और आप देख रहे हैं माय क्लासरूम। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है ओजोन डिप्लेशन। तो लेट अस बिगिन दिस टॉपिक। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है आज हमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अ रेफरेंस ऑफ दिस पिक्चर। ओके, इस पिक्चर में बेसिकली हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जैसे ये एक फेस मास्क है और ये सनलाइट और सनबर्न से एक इंसान को बचाने की हेल्प करता है, इसी तरीके से एक एनालॉजी ड्रॉ करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि ओजोन लेयर जो नेचुरली हमारे अर्थ के चारों तरफ उसको सराउंड करके रख रखा है, वो भी हमारे अर्थ को इसी तरीके से सनबर्न वगैरह से डैमेज होने से हमारे इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब ओजोन लेयर जो है हमारे ओजोन लेयर वो बेसिकली आपको पता है कि एक गैसियस एलिमेंट का बना हुआ है। ओजोन जो है वो बनता है वो थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के हेल्प से। एज वी कैन सी हियर, हियर आर थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनको मिलकर के बनाते हैं बेसिकली। अब नॉर्मल ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ऑक्सीजन में हमें सिर्फ और सिर्फ दो ऑक्सीजन मिलते हैं, राइट? जब इसमें दो इसी ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन जब फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होकर के इनसे अटैच करता है विद द हाई एनर्जी अपने रिलीज़ करके, तब ये क्या बनता है हमारे सामने? ओजोन। बेसिकली ओजोन जो है नेचर वाइज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये काफ़ी पॉइजनस है। ठीक है, इसको अगर हम डायरेक्ट कंज्यूम कर लें या इनहेल कर लें तो ये हमारे लिए क्या है? पॉइजनस है। ये हमारा डेथ भी काउज कर सकता है, राइट? बट यहाँ पे ओजोन जो है जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है तो एटमॉस्फेयर में जा कर के ये क्या कर रहा है? एक प्रोटेक्शन काउज कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर रहा है जिसके हेल्प से जो प्रोटेक्शन क्रिएट हो रही है वो प्रोटेक्शन किसके लिए हो रही है? वो प्रोटेक्शन हो रही है बेसिकली सनलाइट से। याद रखिएगा, सनलाइट से यहाँ पे प्रोटेक्शन क्रिएट किया जाता है, सनरेज से, हार्मफुल सनरेज। ओके, हार्मफुल सनरेज में क्या क्या है? बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इसके हेल्प से फिल्टर आउट होती है वो कौन होती है? अल्ट्रावायलेट रेज बेसिकली फिल्टर आउट की जाती है। एंड अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे बॉडी हमारे अर्थ पे अगर नॉन फिल्टर्ड फॉर्म में अगर आ गई तो वो क्या करेगी? बहुत तरीके के डैमेज करेंगे, राइट? वो डैमेजेस जो हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल, अगर हम सिर्फ अपनी बॉडी की बात करें, इंसान एंड एनिमल्स एंड प्लांट की बॉडी की बात करें, वहाँ पे बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा केस में म्यूटेशन होते हुए दिखेगा। एम आई क्लियर? तो ओजोन अगर ये ना होता हमारे अर्थ के चारों तरफ तो क्या होता? ये अर्थ का एनवायरनमेंट सन के लाइट से डैमेज होता हुआ हमें दिख रहा होता। यहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल या लाइफ की पॉसिबिलिटी होनी की गुंजाइश जो होती वो काफ़ी कम होती। तो ओजोन इज़ बेसिकली हाईली रिएक्टिव गैस एंड कंपोज ऑफ थ्री ऑक्सीजन एटम। और ये तीन ऑक्सीजन एटम आप अपने सामने देख सकते हैं, इस तरीके से ये अलाइन होकर के बॉन्ड बना करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखें तो बेसिकली ओजोन का जो एग्जिस्टेंस है वो एटमॉस्फेयर में बेसिकली दो लेयर में मिलता है, दो जगह पे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में हम देखते हैं। वो पहला क्या है? ट्रोपोस्फेयर, एंड दूसरा क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, अब अगर ट्रोपोस्फेयर की हम डिस्टेंस की बात करें अर्थ सरफेस से, तो ट्रोपोस्फेयर आपका 0 to 10 किलोमीटर के दायरे में आपको देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे जो ओजोन मिलती है इस जोन में भी ओजोन मिलती है, एंड इस जोन में जो ओजोन होती है उसे हम कहते हैं बैड ओजोन। अभी आगे हम बात करेंगे कि बैड ओजोन क्यों बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे सेकंड जोन जो है हमारा वो है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में की अगर हम डिस्टेंस की हम बात करें तो वो होती है हमारी 10 से 50 किलोमीटर का दायरा इनका होता है। 10 से 50 किलोमीटर के
अर्थ से जो दूरी होती है उसमें हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर, और यहाँ पे जो ओजोन मिलता है वो कहलाता है आपका गुड ओजोन। इस तरीके से हम जो ओजोन के लेयर को जो डिवाइड करते हैं वो दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक जो आपका लोअर एटमॉस्फेयर में मिल रहा है, लोअर एटमॉस्फेयर किसको हम बोल रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर वाले एरिया को, उसी तरीके से हायर एटमॉस्फेयर में जो मिल रहा है वो हमारा कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में, उसको उसे हम क्या बोलते हैं, गुड ओजोन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपर एटमॉस्फेयर दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर बियर्स गुड ओजोन, उसी तरीके से लोअर एटमॉस्फेयर बियर्स ट्रोपोस्फेयर हैज बैड ओजोन। अब सवाल आता है, ये देखिए गुड ओजोन ही है जो हमारे पास फिल्टर का काम कर रहा है, तो ये है गुड ओजोन जहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज क्या हो रहे हैं, फिल्टर आउट किए जा रहे हैं। ओके, एंड इसके वजह से ही क्या हो रहा है, ये यूवी रेज फिल्टर आउट हो करके उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट में या तो एक्सेप्टेबल अमाउंट में आने दिया जाता है या फिर उनको वहीं से रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं, यहाँ देखिए गुड ओजोन इज़ बेसिकली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर हाई अबव द अर्थ, ये हमने देखा, ये कहाँ से कहाँ, 1150 किलोमीटर के दायरे में मिल रहा है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज कैन काउज, अब सवाल ये है कि यूवी रेज को अगर अलाउ कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर रही है और उस दौरान में हम क्या कर दें, यूवी रेज को अलाउ कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इंटेंस सनबर्न, आई डिजीज लाइक कैटरैक्ट एंड स्किन कैंसर, हम एनिमल्स के केस में आम हो जाएगी देखने के लिए। उसी तरीके से बैड ओजोन की अगर हम बात करें, बैड ओजोन इज़ बेसिकली फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, एंड ट्रोपोस्फेयर हमें पता है अर्थ सरफेस से मात्र 10 किलोमीटर, मैक्स टू मैक्स 10 किलोमीटर के फासले पे मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बेसिकली आपका जो वन ऑफ द फेनोमिनन पॉल्यूशन में, जो वन ऑफ द कॉमन फेनोमिनन जो आज के दिन में हम देखने को हमें मिलता है ठंड के मौसम में खास करके, या हल्की ठंडी मौसम हो गई उस दौरान में एक धुंधला चादर सा आपके सराउंडिंग में फैल जाता है, उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, स्मॉग। तो ये बेसिकली बैड ओजोन के वजह से ही स्मॉग का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, कब सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, तो जब सांस लेने में हमें दिक्कत आ रही तो प्लांट को भी क्या होगा, उनके फोटोसिंथेसिस वगैरह में भी दिक्कत होगी, तो वहाँ पे प्लांट का भी डैमेज होना तय हो जाता है। इस तरीके से गुड ओजोन इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स इन द फिल्टर ऑफ हार्मफुल यूवी रेज, उसी तरीके से बैड ओजोन इसलिए हार्मफुल है क्योंकि ये स्मॉग क्रिएट करा करके, ये वन ऑफ द फैक्टर हो जाता है जो स्मॉग क्रिएट कराता है, और साथ ही साथ ये क्या कर देता है, हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड प्लांट्स दोनों के लिए। ओके, अब आगे बढ़ें हम, अब ओजोन लेयर के फायदे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बेसिकली इस पिक्चर के हेल्प से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये देखिए ये हमारा डीएनए का एक सेगमेंट। ठीक है, इस डीएनए सेगमेंट में हम बेस पेयरिंग देख रहे हैं। ओके, इस बेस पेयरिंग में अभी नॉर्मल बेस पेयरिंग था, मगर जैसे ही इसको यूवी रेज से क्या किया गया, स्ट्राइक कराया गया, तो देखने को मिलता है यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। ठीक है, इस पॉइंट पे डीएनए के इस सेगमेंट के इस पॉइंट पे क्या हो गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, और ये डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है, बेस पेयर को डिसरप्ट कर दे रहा है, बेस पेयर के बॉन्डिंग को डिसरप्ट कर गया। जब ये डिसरप्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या काउज होगा, म्यूटेशन। आप बेहतर जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज़ बेसिकली चेंज इन द जेनेटिक मेकअप। ओके, एंड इस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, अब जो आगे जो भी ट्रांसक्रिप्शन होगा इससे ट्रांसक्रिप्शन में अफेक्ट होगा, साथ ही साथ आपका ट्रांसलेशन भी अफेक्ट होगा, और एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसलेशन जब हैम्पर हो रहा है तो प्रोटीन भी क्या होगा, प्रोटीन जो इससे फॉर्म होनी होगी, ठीक है, जिस भी इस कोडिंग से जो भी प्रोटीन फॉर्म होना होता है, ठीक है, वो प्रोटीन कैसा होगा, ये प्रोटीन आपका नॉन फंक्शनल हो सकता है। ओके,
नॉन फंक्शनल प्रोटीन का क्रिएशन हो सकता है यहाँ से इस म्यूटेशन की वजह से। तो ये जब म्यूटेशन होगा तो बेसिकली ये हमारी बॉडी के लिए भी अनएक्सेप्टेबल होगा एंड आने वाली जनरेशन को भी ये हैम्पर कर सकता है अगर ये म्यूटेशन ट्रांसफ़र हो गया तो, राइट। सो इस तरीके से ये म्यूटेशन नॉर्मल, इस तरीके से ये नॉर्मल ओजोन लेयर जो भी है अभी मौजूद, वो हमारे हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, ठीक है। ओके, सो इस अर्थ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए बेसिकली ओजोन लेयर का एग्जिस्टेंस काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखें तो आगे हम बात करेंगे ओजोन थिकनेस के बारे में। ओजोन थिकनेस को बेसिकली हम मेज़र करते हैं डॉब्सन यूनिट के हेल्प से, राइट। डॉब्सन यूनिट है क्या? तो डॉब्सन यूनिट की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो डॉब्सन यूनिट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रेस गैसेस, राइट, इन वर्टिकल कॉलम थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर। अर्थ के एटमोसफेयर में ट्रेस गैसेस का अमाउंट कितना मौजूद है वो एक यूनिट से मेज़र करते हैं, उस यूनिट का नाम क्या है? डॉब्सन यूनिट। ओके, डॉब्सन यूनिट के हेल्प से जब हमने मेज़र करा तो हमें पता लगता है कि 300 डॉब्सन यूनिट का अगर यूनिट आ रहा है ओजोन का, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 mm थिकनेस ऑफ ओजोन गैस। राइट, तो 300 डॉब्सन यूनिट के प्रेजेंस में हमें क्या मिल रहा? 3 mm थिकनेस ऑफ ओजोन, और ये मोर देन सफिशियंट है अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर आउट करने के लिए। ओके, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में आपका फिल्टर कौन कौन सा हो रहा है? UVA, UVB एंड UVC। टाइप्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज की अगर हम आगे बात करेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा 3 types ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। वन इज अल्ट्रावायलेट ए, अनदर इज अल्ट्रावायलेट बी एंड अनदर इज अल्ट्रावायलेट सी। ओके, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में हमारा क्या क्रिएट हो रहा था? स्मॉग क्रिएट हो रहा था सरफेस लेवल ओजोन, बैड ओजोन के वजह से। ओके, अब आगे हम बात करें ओजोन के फॉर्मेशन की। ओजोन की इतनी जो हमने बात की, ओजोन जो बनता है वो सोर्स कहाँ से आता है, राइट। तो नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर से क्या हो जाता है? ये टूट जाता है, इनके बीच का जो भी बॉन्डिंग है वो टूट जाता है हाई एनर्जी रेज के प्रेजेंस में। अब ये जब टूटता है तो ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। ओके, अब ये नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल, ये बेसिकली फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलते हैं। ये फ्री रेडिकल इनसे क्या करता है? बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ये बॉन्डिंग क्रिएट करेगा और लास्ट में क्या बनाएगा? एक स्टेबल मॉलिक्यूल, और वो स्टेबल मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ओजोन मॉलिक्यूल। इसमें बेसिकली 3 molecule एक साथ आते हैं ऑक्सीजन के, और वो एक नए एग्जिस्टेंस में आते हैं और उसका नाम क्या है? ओजोन। ओके, सो ओजोन इज़ बेसिकली कंटिन्यूसली फॉर्म्ड इन द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ऑल्सो डिग्रेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड में ओजोन बन गया तो सिर्फ ओजोन बनता ही जाएगा, नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो यही ओजोन से डिग्रेड होकर के ऑक्सीजन भी ज़रूरत के मुताबिक वो फिर से रिप्लेनिश कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, आगे हम बात करें तो आज के डेट में जो ओजोन का डिग्रेडेशन हो रहा है वो बेसिकली किसके वजह से हो रहा है? सबसे ज़्यादा वो हो रहा है आपके वन ऑफ द रेफ्रिजरेंट गैस, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसके 4 bonding zone पे क्या होते हैं? 4 halogen group जुड़े हुए होते हैं। कार्बन के 4 bonding site पे क्या मिलते हैं हमें? हैलोजन मिलते हैं, जिसमें से आपके 2 chlorine and 2 fluorine। ओके, सो ये है हमारा सोर्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो घर में हम कूलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में, एसीज वगैरह में, उसमें ये नॉर्मल तरीके से इस गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर रेफ्रिजरेशन। तो CFC वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो पाया गया कि ओजोन को डिग्रेडेशन कराने में हेल्प करता है।
अब ये जो डिग्रेडेशन होगा, ये डिग्रेडेशन कैसे होगा उसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। डिग्रेडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए होता क्या है कि हमारा जो भी एक्टिविटी है वो क्या है, अर्थ सरफेस के नज़दीक में है, और वो नज़दीक में क्या है, हमारा अर्थ सरफेस है एंड एज वेल एज इन ट्रोपोस्फेयर। वाई? बिकॉज बिकॉज यहीं पे आप जानते हैं कि अप्रॉक्स 9 किलोमीटर के हाइट पे हमें क्या देखने को मिलता है, टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ, दैट इज माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इस माउंट एवरेस्ट में हमें और क्या देखने को मिला, यहीं पे 8 किलोमीटर के सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे हम क्या करते हैं, फ्लाइट वगैरह फ्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सारे जोन हमारे ह्यूमन एक्टिविटी जोन में आते हैं। बेसिकली ट्रोपोस्फेयर हमारा ह्यूमन एक्टिविटी जोन है, इसी जोन में हम सारा काम कर रहे हैं। तो CFC जो हम अर्थ सरफेस से लिबरेट करते हैं वो क्या कर होता है, वो लिबरेट होकर के धीरे धीरे करके वो स्ट्रेटोस्फेयर में भी पहुंच जाता है। ट्रोपोस्फेयर को पार करता हुआ वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाता है। आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा था, ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा था, ओजोन सिंथेसिस चल रहा था, यहीं पे CFC भी पहुंच गया, यहीं पे CFC भी आ गया आपका। CFC जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर इसके एवज में क्या होगा, ये ओजोन के फर्स्ट सिंथेसिस को रोक देगा और वहाँ पे ओजोन के डिग्रेडेशन को प्रमोट कर देगा। राइट, आगे हम बताएंगे कि इसका ओजोन का डिग्रेडेशन ये CFC कैसे क्रिएट करता है। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि बेसिकली ये है हमारा CFC मॉलिक्यूल। राइट, ये CFC मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यूवी रेज के एक्सपोजर की वजह से क्या हो जाता है, ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये ओजोन के साथ जा करके बाइंड करता है, बॉन्डिंग क्रिएट करता है हाई एनर्जी होने की वजह से। फ्री रेडिकल में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी होता है कि वो किसी के साथ भी बॉन्ड बनाने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो ये अब क्या करेगा, ये वन ऑफ द ओजोन गैस के ऑक्सीजन को खींच करके अपने साथ बॉन्डिंग में ले आएगा और बना लेगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड, CLO के फॉर्म में आ जाता है और इस स्टेट में आ जाता है। इस स्टेट का नाम क्या है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर क्या करता है, नॉर्मल फ्री ऑक्सीजन रेडिकल के साथ ये कंबाइंड कर जाता है। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, ये अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के टर्म में एक्सेप्ट करके वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे ओजोन बनने के जगह पे ज़्यादा प्रमोट कर देता है ऑक्सीजन का बनना। राइट, तो इस तरीके से ओजोन जो था, जो बन सकता था या स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता था, वो उस फॉर्म में ना रह करके क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ओजोन की जो थिकनेस थी चारों तरफ से, मान लीजिए ये थिकनेस थी, तो ये थिकनेस अब प्रेजेंट कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अब ये जैसे ही थिकनेस कम होगी तो तयशुदा बात है कि वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज जो पहले अच्छे से फिल्टर होकर आ रही थी, अब वो क्या होगी, अनफिल्टर्ड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। तो इसके इफ़ेक्ट में क्या होगा, हार्मफुल यूवी रेज को अब रास्ता मिल जाएगा कहाँ, हमारे एटमोसफेयर में इंटर करने का। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो इन स्ट्रेटोस्फेयर यूवी रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम। अभी हमने देखा फर्स्ट क्या होगा, क्लोरीन एटम जो फ्री रेडिकल के फॉर्म में है वो क्या करेगी, ओजोन के साथ बॉन्ड बनाएगी। ओके, उसको तोड़ेगी, तोड़ करके वो क्या करेगी, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगी एंड ऑक्सीजन को अलग रिलीज करा देगी। साथ ही साथ यहाँ पे क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर क्या करेगी, ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस को बनने में हेल्प करेगी और ख़ुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस उसी एटमॉस्फेयर में रिसाइकल होती रहेगी। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार यूज़ हो गया तो ये ख़त्म हो जाता, नहीं, ये रिसाइकल हो करके इसी साइकिल को बार 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 कंटिन्यू करती रहती है। इस तरीके से इनकी कंटिन्यूटी के वजह से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ओजोन डिप्लीशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिला ओजोन डिप्लीशन, वो कहाँ पे मिलता है, वो हमारे एंटार्कटिक रीजन में देखने को मिला।
साथ ही साथ वहाँ पे क्या हो गया, एक थिकनेस जो थी वो थिकनेस क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ये थिकनेस अब जो है वो रिड्यूस हो करके काफ़ी पतली लेयर में रहेगी, और वहाँ पे जो पतला लेयर है तो एक होल टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया, जिसको हमने टर्मिनोलॉजी क्या दिया हमने, ओजोन होल। तो बेसिकली ओजोन के डिप्लेशन के वजह से क्या हो गया, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ओजोन होल। अब क्या हो गया, ओजोन होल की वजह से अंटार्कटिक रीजन में हमें हार्मफुल यूवी रेज, ज़्यादा हार्मफुल यूवी रेज जो हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या देखने को मिल रहा है, वो पास कर जा रहे हैं। अब पास कर रहे हैं तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो भी है प्रेवलेंट कंडीशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ग्लेशियर वहाँ पर डिज़ोल्व होने लगी। ओके, आप एक्सपोजर में वहाँ पर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्किन कैंसर होने का चांस हो रहा है, स्नो ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है वहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से कॉमन फेनोमिनन वहाँ पे हेल्थ हजार्ड होना शुरू हो गया है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें ओजोन के टाइप्स की, स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि ओजोन जो होते हैं हमारे पास बेसिकली वो तीन तरीके के होते हैं, वो कौन कौन से हैं, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी, राइट। यूवी ए की वजह से अगर इसके एक्सपोजर में अगर हम ज़्यादा रहें तो हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो इफेक्ट देखने को मिलेगा प्री मैच्योर एजिंग, रिंकलिंग ऑफ द स्किन एंड इम्प्लिकेटेड इन स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होने का ज़्यादा चांस है, झुर्रियाँ आना ज़्यादा चांस है, और प्री मैच्योर एजिंग भी देखने को मिलेगा। अगर इसकी वेवलेंथ की हम बात करें तो ये कितने से कितने के रेंज में मिलता है, 400 नैनोमीटर टू 315 नैनोमीटर के रेंज में। उसी तरीके से यूवी बी की अगर हम बात करें तो 350 टू 280 नैनोमीटर के रेंज में ये एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ मोस्ट मोस्ट डेंजरस इज़ यूवी सी, एंड यूवी सी का जो अगर हम रेंज की अगर हम बात करें तो ये है 280 टू 100 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वेवलेंथ कम है, तो तयशुदा बात है कि इसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, सो इट इज़ हाईली और एक्सट्रीमली डेंजरस एंड ब्लॉक्ड, इट इज़ मोस्ट ब्लॉक्ड बाय ओजोन लेयर। जब ओजोन लेयर होगा ही नहीं या वहाँ पे उसकी डिफिशियंसी होगी ओजोन लेयर की, तो वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यू वी सी जो है वो कम से कम फिल्टर हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सो इस तरीके से टाइप्स ऑफ यू वी रेज की अगर हम बात करें तो ये तीन तरीके के हो गए, यू वी ए, यू वी बी एंड यू वी सी, और आपने देख लिया इसका रेंज क्या है एंड साथ ही साथ इसके आफ्टर इफेक्ट क्या हैं हमारे बॉडी में, या नॉर्मल एक एनिमल के एक्सपोजर में आ जाने की वजह से ये क्या क्या क्रिएट कर सकता है, राइट। अब यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमोसफेयर, तो इससे जो शॉर्टर वेवलेंथ का जो होगा वो क्या होता है एटमोसफेयर में, ये वाला हो गया, ये शॉर्टर वेवलेंथ है तो ये क्या होंगे, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाई द ओजोन लेयर, राइट। मगर इससे ज़्यादा को अलाउ कर दिया जाता है, कुछ हद तक अलाउ होता है, बट उनको भी फिल्टर किया जाता है कुछ हद तक, ताकि वो क्या करें, म्यूटेशन ना के बराबर हो या कम से कम म्यूटेशन देखने को मिले, राइट। इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात करें, हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि यूवी रेज के इफेक्ट से क्या होगा, डीएनए म्यूटेशन हमें देखने को मिलता है, राइट। एजिंग ऑफ स्किन वन ऑफ द फैक्टर, साथ ही साथ स्किन कैंसर इज ऑल्सो वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ओजोन। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो क्या है हमारे हमारे यहाँ पे, वो होता है स्नो ब्लाइंडनेस, राइट। स्नो ब्लाइंडनेस साथ ही साथ कॉर्निया का परमानेंट डैमेज भी हो जाने का चांस हो जाता है, राइट। तो पर कॉर्निया जब डैमेज हो गया तो आपके आईसाइट पे भी अफेक्ट आएगा। सो ओजोन लेयर को हमेशा फिल्टर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है, और वो फिल्टर क्यों है, इससे पहले हमने आपसे आपके साथ डिस्कस किया कि ह्यूमन लाइफ या नॉर्मल लाइफ के सर्वाइवल के लिए, लाइफ सर्वाइवल के लिए ओजोन लेयर का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो इन सारे हार्मफुल इफेक्ट से हमें कौन बचा रहा है, वो है हमारा ओजोन लेयर। ओजोन थिकनेस जो हो रही थी, ओजोन होल जो क्रिएट हो रहा था, उसको जब देखा गया, उसको जब नोटिस करा गया, साइंस कम्युनिटी ने उसको जब प्रेडिक्ट करा, तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ को अलर्ट करा, उसके एवज में 1987 में एक
प्रोटोकॉल साइन किया गया। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोटोकॉल था फॉर डिप्लीटिंग ओजोन लेयर को फिर से रिवाइव करने के लिए, राइट। एंड दैट नेम, दैट प्रोटोकॉल इज नेम्ड एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक शहर है आपके कनाडा में, राइट। एंड दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड बाई 197 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, इसमें पार्टिसिपेंट थे और उन्होंने साइन किया। और इफेक्टिव कब हुआ ये? 1989 में। इसके हेल्प से आज के डेट में ओजोन का जो थिकनेस था वो बहुत हद तक रिवाइव कर लिया गया है एंड दैट हैज़ बीन मेंटेन, ठीक है। अभी पूरी तरीके से हेल्दी लेवल पे तो आया नहीं है, बट ऐसा है कि जितना डैमेज हुआ था उसके एवज़ में बहुत हद तक उसको काउंटर बैलेंस किया जा चुका है, राइट। तो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो मकसद था, मकसद वो था कि एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को चेक किया जाए, रोका जाए, इनकी रोकथाम लगाई जाए, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा जो धड़ल्ले से जो हम क्या यूज़ कर रहे थे, रेफ्रिजरेंट मटेरियल, उन रेफ्रिजरेंट मटेरियल को कम से कम यूज़ किया जाए और साथ ही साथ उनको चेकआउट किया जाए। इनका एमिशन कम होगा तो तय बात है कि वो क्या होगा, ओजोन गैस को कम से कम अफेक्ट करेंगे। ओजोन गैस को कम से कम अफेक्ट करेंगे तो हमारा ओजोन लेयर जो होगा वो क्या होगा, हेल्दी कंडीशन में मौजूद होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी कंसेप्ट अच्छे लगे, हमारे पढ़ाई अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ प्रमोट दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।